अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको AK-47 यानी क्लैशनकोफ सही इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको क्लैशनकोफ के बारे में तफसीलात बयान करूं, बेहतर ये होगा कि एक एडवाइस अपने यंगस्टर के लिए कि तमाम 18 साल से कम उम्र के बच्चे असलहे का इस्तेमाल ना करें, ये उनके लिए और सारे फैमिली के लिए बेहतर होगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि AK-47 राइफ़ल रशियन मेड राइफ़ल है, ठीक है। इसका मैगज़ीन, इसकी बैरल, इसका बट और इसके इंटरनल फंक्शंस, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आज सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि AK-47 यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अक्सर लोग AK-47 यूज़ करने के लिए डायरेक्टली मैगज़ीन लगाकर इस तरीके से इसको अपलोड करते हैं बुलेट को, ये तरीका गलत है। इसका सही तरीका ये है के मैगज़ीन इंटर करके इस फिंगर से यानी फर्स्ट फिंगर से इसको ये क्लिक किया जाए, ये इसका राइट वे है। कुछ लोग मैगज़ीन फायर करने के लिए ये करके इसको यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से, ये तरीका गलत है। हमेशा गन को इस्तेमाल करने के लिए इस साइड को पकड़ना ज़रूरी है ताकि गन स्किप ना करे। बाज़ औक़ात ये मैगज़ीन निकल भी जाता है किसी सूरतों की वजह से, इसलिए सही तरीका इसको पकड़ने का ये है। दौरान फायरिंग, जब आप फायरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो गन को इस तरह ना पकड़ें, गन को इस तरह ना पकड़ें और ना ही गन को इस तरह पकड़ें। बाज़ लोग गन को मुख्तलिफ अंदाज से पकड़ते, इस तरीके से पकड़ते हैं, ये भी गलत है। इसका असल तरीका ये है कि आप इसको फर्स्ट फिंगर से लोड करने के बाद गन को इधर रखें, इधर रख कर अपनी फिंगर को यहाँ रखें सेफ्टी पर्पज़ के लिए और इसको इस तरीके से फायर करें, ये इसका सही तरीका इस्तेमाल का है, ठीक है। दूसरी बात, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, क्योंकि ये जो बुलेट है ये 7.62 कैलिबर का बुलेट है और ये हवा की रेंज में जाकर अपनी रेंज ख़त्म होने के बाद ये वापस गिरता है और ये इंसानी जान के लिए ख़तरा है। तो दोस्तों, आपको मैंने शॉर्ट तरीके से बताया कि AK-47 कैसे यूज़ करते हैं, एक बार फिर इसका प्रीव्यू देख लीजिए। ये क्लैशनकोफ दाएं हाथ से मैगज़ीन, इसको लोड, क्योंकि इसमें अभी बुलेट्स हैं इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। रिवाइंड में वापस निकाला इसको, फर्स्ट फिंगर, ये वाली फिंगर, इसको लोड किया, अप किया, यहाँ पर रखा और एम किया और फायर। कोशिश करें कि निशानाबाजी वाला फायर करें ताकि गोली नीचे ही रहे। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि AK-47 सही तरीके से कैसे काम करता है और इसका निशाना बांधने का सही तरीका क्या है और इसको सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम कुछ फायर्स करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मैगज़ीन को कैसे लोड करना चाहिए सही तरीके से, इसको ट्रिगर को कैसे दबाना है और उसको बुलेट कैसे अपलोड करनी है। तो आइए नाज़रीन, कुछ फायर करते हैं और देखते हैं कि हाउ डज़ इट वर्क्स। ओके, थैंक यू। ओके जेंटलमैन, अभी हम आपको बताएंगे हाउ डज इट वर्क्स। सो दिस इज़ द मैगज़ीन, 30 मैगज़ीन, 7.62 कैलिबर गन, दिस इज़ AK-47। ओके, पहले बताया इस फिंगर से ये चैम्बर लोड हो गया। नाउ सी हाउ डज इट वर्क्स। बस वो ज़्यादा। अभी आपने देखा कि ये कैसे काम करता है और अभी हम मज़ीद फायर करेंगे तो आप देखें कि हाउ डज इट वर्क्स। लेकिन इसको हम अभी लॉक कर देते हैं क्योंकि अभी हम साइड चेंज करके आपको व्यू दिखाएंगे। थैंक यू।